कल पाकिस्तान जीतेगा, उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान को जीतना पड़ेगा। और कल वो इंशाल्लाह उसी तरह रोएंगे जिस तरह वो लास्ट टाइम रोके कुर्सियां तोड़ी थी, इस दफा भी वही हाल होगा इंशाल्लाह कल। टोका टोका माई टोका ठोका, टोका टोका माई ठोका ठोका। यार शर्म होनी चाहिए बंदे में। इंडिया से हार गयो ठीक है बड़ी टीम है, ऑस्ट्रेलिया से हार गयो ठीक है बड़ी टीम है, अफगानिस्तान ने भी पेल दिया। ये मैच हमने दम से जीती है, दम ये अपने दम से जीती है, बाजुओं से जीती है। गुरबाज मेरी लाले, ओए मेरी जान, ओए लोईश, ओए कुर्बान, ओए लाले दी जान, ऐसा मेरा बंदूक चले जैसा मेरा गुरबाज चले। हाँ कहते तो यही है कि हम इस दफा ट्रॉफी लेकर आएंगे, लेकिन क्या ट्रॉफी लेकर आएंगे जब तुम लोगों ने भाई सेमीफाइनल तक पहुंचने की तुम लोगों की करतूत नहीं है, क्या कर कह रहे हो? आज गुरबाज ने और इब्राहिम ने दोस्तों दो बंदों ने मिलकर पूरे शाहीनों की टीम का जनाजा निकाल दिया भाई, ढेर कर दिया। जब तक ये मेरे घंटे का किंग रहेगा तब तक पाकिस्तान दलील होता रहेगा। जो मुझे समझ आती है कैचेस भी छोड़ रहे थे और जो फील्डिंग है जो की जा रही थी बाउंड्री पे, कई बॉल्स जो है वो मतलब पकड़ ही नहीं पाए, वहां लेट गए, घास तक खाली, बाउंड्री से बाहर करवाते थे, यूं मारते थे बाद, मतलब वो बॉल की स्पीड को तेज कराने के लिए जो आज पाकिस्तानियों ने मेहनत की, मैंने ऐसा नहीं लिखे दो तीन चौके देखे तो मतलब आई रियली अप्रिशिएट। चढ़ के उन्होंने मारा आपको चेन्नई में, चढ़ के मारा उन्होंने आपको, बता के मारा, चढ़ के मारा, एक्सपोज किया पाकिस्तान की क्रिकेटर। हिंदुस्तान ने भी मारा, अफगानिस्तान ने भी मारा, ये इतनी सुजन लेके कहां जाएगा भाई तू? अब बबुम्बा मारेगा तुझे। हेलो गाइस, स्वागत है आपका अफेयर गॉसिप्स न्यूज में। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हर बार की तरह फिर से एक बेनती है, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। तो दोस्तों एक बार फिर भरी महफिल में चेन्नई की ग्राउंड में पाकिस्तान जलील हो चुका है और माशा अल्लाह सुबह लल्ला पाकिस्तान की बैटिंग के तो क्या ही कहने, अपने लास्ट ओवर की लास्ट बॉल में भी विकेट दे दिया भाई लोगों ने अफगानिस्तान को, और वहीं अफगानिस्तान अपने सेकंड लास्ट ओवर की लास्ट बॉल पे चौका मार के पाकिस्तान को अपने पैरों के तले रौंदते चलते बने, और आज अफगानिस्तान ने अपने 11 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है पाकिस्तान को हरा के। खैर देखते हैं इस पर पाकिस्तानी मीडिया और इनकी पब्लिक का क्या रिएक्शन है। ये जो मिसबा लाया गया है, ये जो टीवियों पे बैठ के बकवास करते हैं, भौंकते हैं, ये हफीज साहब के पिच जैसी, पिच वैसी तुम्हारे अंदर तुनती पिच, तुम्हारे मुंह से निकाली है ये पिच। इन्होंने 282 चेन्नई में, 282 का मतलब है वेंकटे में 400 रन, वेंकटे के 400 रन, ये तुम्हारी 2% की टीम, 2% की तुम्हारी औकात है, बातें करते हैं। है कोई माइकल एल जिसने कहा अफगानिस्तान को फेवरेट है? है कोई? क्यों कहा था भाई जान? ये बाल सफेद हो गया, ये पीसीबी सिर्फ ये कर सकता है मेरा एक्रीडेशन रोक लेगा, इसका एक्रीडेशन रोक लेगा, पीसीबी ये कर सकता है हमें वर्ल्ड कप पे नहीं जाने देगा, इससे ज्यादा पीसीबी मेरा जूता नहीं टेढ़ा कर सकता। ये मैं आपको कह रहा था अफगानिस्तान ना जीता, पाकिस्तान जीता तो आई विल बी सरप्राइज। क्यों कह रहा था? ये उम्र गुजर गई है, ये यूट्यूबरिया नहीं बैठे यहाँ, यहाँ पे कोई वो नहीं बैठा जो नेफे में से खबर निकालेगा और आपको बताएगा। ठंडी खबर देता हूं, आज तक मेरी कोई खबर, कोई माइकल लाल उसको बाउंस नहीं कर सका, बड़े बड़े नन्हे खान फने खान आए लेकिन कभी नजदीक नहीं लगने दिया। नजर आया आपको बाबर आजम? ये है जिसे 3.5 साल पहले मैंने कहा था ये कप्तानी का मटेरियल नहीं है, ये जो इमामुल हक पर्ची है, ये पर्ची इस टीम को ऐसे खा गई जैसे कैंसर पूरी बॉडी को खाता है। जिस दिन मिसबा की अपॉइंटमेंट की इस ढीले कोट वाली सरकार ने, जिस दिन मिकी आर्थर को लाए, मैंने कहा ये तबाही बर्बादी है, ये नजम सेठी, ये शकील शेख, ये नेक्सस ऑफ इविल जो मिले, इन नेक्सस ऑफ इविल ने मिलके इस टीम को कहा था एक वक्त आएगा पाकिस्तान को खुदा ना खास्ता क्वालीफाइंग राउंड खेलना पड़ेगा,
पाकिस्तान की क्रिकेट की हिस्ट्री की सबसे इबरतनाक, सबसे खौफनाक, सबसे दहशतनाक, सबसे दर्दनाक, सबसे बड़ी हार आज चेन्नई के ग्राउंड में। लेकिन अब देखें किंग कोहली, और वो वाकई किंग कोहली है, जिस मर्जी मैच, जिस मर्जी सिचुएशन में उसको ले जो, वो आपको कभी मायूस नहीं करेगा। वो हमेशा मैच विनर था, है और रहेगा, और वो करके दिखाता है। ऐसे प्लेयर बाबर आजम का कहते हैं जी विराट कोहली, मैं बाबर आजम को किसी खाते में नहीं लेके आता। चार मैच खेल चुका है अभी तक, आज 50 किया, वो भी रो के उसने 50 किया। और टीम सामने अफगानिस्तान के खिलाफ 90 बॉल खेला है और 70 रन किया उसने, ठीक है, ये कोई परफॉर्मेंस नहीं है हमारे कैप्टन की। हमारे जो अभी चार मैच रहते हैं, बड़ी टीम भी बीच में है, क्या कहते हैं चार में से ये कितने मैच हम जीत जाएंगे आपके सर? जो सूरत हाल दिखाई दे रही है ना आज के मैच के बाद, मुझे नहीं लगता कि हम कोई मैच जीतेंगे। चार के चार, मतलब ये बांग्लादेश के साथ सबसे छोटी टीम बांग्लादेश है, मैं आपको गारंटी के साथ कहता हूँ ये उनसे भी हार जाएंगे। चले जी, मैं ये चाहता हूँ कि चार के चार हम जीते, हम सेमीफाइनल में किसी तरीके पहुंचे। लेकिन ये है कि ये देखिए, अच्छा इंडिया का अफगानिस्तान के साथ मैच की क्या सिचुएशन रही, आप क्या कहेंगे? इंडिया का मैच जिससे मर्जी आप करवा दो, इंडिया को इस टाइम कोई भी नहीं हरा सकता। ठीक है, सेमीफाइनल में किसे देख रहे हैं? सेमीफाइनल में इस टाइम एक आपकी न्यूजीलैंड है, एक आपकी इंडिया है, एक आपकी ऑस्ट्रेलिया है, और एक आपकी चौथे नंबर पे जो आ रही है वो साउथ अफ्रीका। और फाइनल में इंडिया, साउथ अफ्रीका या न्यूजीलैंड, इन तीन टीमों में से दो टीमें फाइनल खेलेंगी। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं ऐसे ही किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पीस आउट एंड जय हिंद।